आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग जियो सिम में 1 GB फ्री में डाटा कैसे पा सकते हैं। अगर आप लोग का जियो का सिम है, अगर आपके पास डाटा ख़त्म हो गया है, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि कहीं से हमको फ्री में डाटा मिल जाए, तो आप लोग 1 GB डाटा फ्री में पा सकते हैं। बहुत सिंपल सा एक ट्रिक है, वो ट्रिक लगाएंगे, वो कोड डालेंगे, तो आप लोग को एक, अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आप लोग को ले चलता हूँ मोबाइल के होम स्क्रीन पे और बताता हूँ कि आप लोग सिम में 1 GB डाटा कैसे पा सकते हैं। तो आप लोग इसके लिए आप लोग को अपना जो जियो ऐप है उसको ओपन करना पड़ेगा। अगर आप लोग अपडेट नहीं किए तो इसको सबसे पहले अपडेट कर लीजिएगा। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो आ जाएंगे मोबाइल के होम स्क्रीन पर। मोबाइल के होम स्क्रीन पर आने के बाद हम लोग अपना माई जियो ऐप जो है उसको ओपन कर लेंगे। उसको ओपन करने के बाद इसको अपडेट नहीं किए रहेंगे तो इसको अपडेट कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे इंगेज पे, यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे दिखाई दे, इसको पहले काट लेते हैं सब। यहाँ पे देखिए ऊपर आए, यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे लिख रहा है इसको अपडेट नहीं किए रहेंगे तो इसको अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इंगेज लिख रहा है, आप लोग ढूंढ लीजिएगा इंगेज कहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद इसको इंगेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसको यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए लिख रहा है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। 1 GB फ्री डाटा यहाँ पर लिख रहा है तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, इसको क्लिक करेंगे। देखिए थोड़ा सा लोड लेगा, ये थोड़ा नेट स्लो है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेट्स गो पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे लेट्स गो जो लिख रहा है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए हम लोग को ब्राउजर में सीधे ले जाएगा, ब्राउजर में ओपन होगा ये हम लोग का। उसके बाद यहाँ पे इंटर फ़ोन नंबर, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल लेंगे। टर्म एंड कंडीशनर जो है ये दो नीचे दिखाई दे रहा है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल लेता हूँ, टर्म एंड कंडीशनर जो है इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेंड ओ टी पी पे हम लोग क्लिक करते हैं, सेंड OTP पे। उसके बाद इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर OTP आएगा तो इसको हम लोग OTP डाल कर वेरीफाई कर लेंगे। इसको डालने के बाद इंटर योर नेम, और यहाँ पर नीचे लिख रहा है ईमेल आईडी, तो हम लोग अपना यहाँ पर नाम लिख लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद ईमेल आईडी कोई भी एक डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम लोग इसको सबमिट कर देंगे। यहाँ पे नीचे सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह आएगा। उसके बाद हम सीधे हम लोग बैक आ जाते हैं। इसको बैक आने के बाद एक बार हम लोग इसको रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने के बाद हम लोग अपना जियो ऐप जो है इसको ओपन करेंगे। जियो ऐप को ओपन करने के बाद सीधे हम लोग अपने इंगेज पे आएंगे। इंगेज पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे लिख रहा है माई विनिंग, तो हम लोग माई ऑफर स्टोर है यहाँ पे माई विनिंग, तो हम लोग माई विनिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग को 500 MB डाटा हम लोग को फ्री में मिल चुका है। तो आप लोग बताइए कि आप लोग को कितना मिल रहा है। हमको तो 500 MB डाटा मिल गया है, 7 डे वर्किंग के लिए, 7 दिन के लिए 500 MB डाटा हमको मिला है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।